फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, स्विच ऑन किया मैंने गीज़र का और यहाँ पर इंडिकेटर जो आ रहा है पावर का आ रहा है, हीटिंग का नहीं आ रहा है। तो अब इस गीज़र में क्या प्रॉब्लम होगी, आप कैसे सही करना है? तो यहाँ पर इसका ढक्कन नीचे से खोलना है आपको, इस तरह का फॉर्म है ये निकालना होगा और फिर यहाँ पर आपको चेक करना होगा। इसमें दो ही कमी हो सकती हैं, एक तो कोई वायर वगैरह इसमें से जला होगा, फिलहाल यहाँ पर हमें सामने दिखाई दे रहा है तो वायर ही जला हुआ है। अगर वायर जला नहीं है तो फिर ऑटो कट की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वायर जला हुआ है थिम्बल पे से। अब हमें क्या करना होगा, इस वायर को दोबारा छील के अच्छे से टाइट दूसरी थिम्बल लगा दें या फिर इसी थिम्बल में अच्छे से लगा दें। यहाँ पर हमने लगा दिया है छील के इसको, और अब हम इसका वायर दोबारा लगाएंगे। आप यहाँ देखें, मैंने वायर लगाया, स्विच ऑन किया है और यहाँ पर आप देखें दोनों इंडिकेटर आ गए हैं, इसका मतलब हमारा गीजर सही हो चुका है। इस तरीके से आप अपने गीजर को सही कर सकते हैं फ्री में।